अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हो आप सब? आइए, आप सब अच्छे होंगे, अल्लाह पाक हमेशा अच्छा रखे, खुश रखे। यास्मीन डेली लाइफ में आप सबका स्वागत है। और शाम के 5:30 बज रहे हैं, व्लॉग अभी अपना शुरू किए हैं और ये व्लॉग मंगनी में जा रहे हैं दावत में। और अभी से जो भी करेंगे आपसे शेयर करेंगे। मेरी वीडियो को फुल देखें, स्किप करके बिल्कुल भी मत देखें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मार्केट से आने के बाद सबसे पहले फ्रेश हुए हम कि थकान पूरी उतर जाती है, और फ्रेश होके ही कहीं जाने में ज़्यादा बेहतर होता है। और कपड़ा आयरन में दिए हुए हैं, क्योंकि जो कपड़ा हम पहनने वाले हो थोड़ा वर्क है, वो घर में आयरन ही होगा, इसलिए भेजाए हुए हैं और सिलते रेडी होते हैं। और इतना लेट हम सोचे नहीं थे कि मार्केट में इतनी लेट हो जाएगी, और फिर भी थोड़ी बहुत बाकी है जो हम लोग रमज़ान में करेंगे। ऐसे तो मार्केट से बहुत सारी सामान लिए हैं, पर ये सिर्फ दो सामान ही अभी हम देख लाएँगे। लैक्मी की काजल जो हम यूज़ करते हैं वो मेरी टूट चुकी थी, वो एक लिए। ये काजल बहुत अच्छी होती है, लैक्मी की आइकॉनिक काजल। और लैक्मी का मॉइस्चराइज़र विथ हाइलाइटर ये लेना था हमको, जो बहुत ही अच्छा होता है। और ये सब एक बार ले लेने से बहुत टाइम जाता है, और दाम भी एकदम सही है। और ये वाली सूट अपनी आयरन करवाए हैं, और सच में जो लैक्मी की हम मॉइस्चराइज़र विथ हाइलाइटर लगाएं बहुत ज़्यादा अच्छी है। और काजल, काजल तो हम ये यूज़ करते ही हैं, पर ये वाली जो हाइलाइटर मॉइस्चराइज़र विथ हाइलाइटर यूज़ किए हैं, जो बहुत ज़्यादा हमको अच्छी लग रही है। और एक बात की मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस लग रही है, इस बात की कि मेरी निकाब फट गई है, जहाँ पर हम बैठ के छोला भटूरा खा रहे थे वहीं से फट गई है। और उस निकाब को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। ऐसे तो मेरे पास 4 निकाब हैं, पर इसको ही हम हर जगह पहनते थे, अब दूसरी निकालनी ही पड़ेगी हमको। और हम लोग रेडी है, निकलते हैं, पर बहुत दूर जाना है ना। सुनती बहुत दूर है तो क्या, फिर भी तो जाने का एंजॉय होगा, ये बात है। लेकिन मेन बेटा, उसके लिए एक पानी का बोतल रख लीजिए, 10 पानी का बोतल, उसको 10 पानी का बोतल चाहिए। चलिए निकाब पहनते हैं। और साथ को बोल रहे हैं, साथ मत जाओ, घर में रहो। क्या करोगे? आप का है बोला, क्यों ना बोले? आप बोल मत जाओ साथ, पहले दावत में दे। और सब रेडी है, हम लोग को यहीं से निकलना है। आप अभी पूरा रेडी है, अब निकलेंगे हम लोग थोड़ी देर में। और सबसे ज्यादा लेट लगा है अश्रो भाई रेडी होने में, पर गंजी बहुत अच्छी लग रही है। तुमको तो कुछ अच्छा नहीं लगा? नहीं, माशाल्लाह गंजी बहुत अच्छी लग रही है। हमको जितना टाइम नहीं लगा रेडी होने में, उतना ज्यादा लेट अश्रो भाई की है। हम तो लेट किया, हम तुम लोग तो घबरा दिया, तुमको जल्दी कीजिए, बाथरूम में है, जल्दी करिए, गाड़ी आ रहा है, ऑटो लेके आ रहा है। नहीं, फिर कैंसिल हो गया ना, कि वो लोग बोले कि हम लोग पिक कर लेंगे, इस वजह से हम सोचे कि फिर डबल मेहनत पड़ जाएगी। डबल तो उल्टा तो हो ही जाए। हाँ, क्योंकि जाना तो इसी रास्ते से है। पर लुक बहुत अच्छा लग रहा है आपका, ठीक है? और अब निकलना हुआ, और अब जाके पहुँचे, 1 घंटा लगी है पूरी आने में, और लगभग सब बैठे हैं। और ये दूल्हा का स्टेज बना, जो दूल्हा अभी है नहीं, और ये दुल्हन की बहन है, मेन दुल्हन जो है वो अभी नहीं आई है, वो गाँव में ही है, उसकी ही मंगी है। पर ये भी एक दुल्हन है, इसकी भी खुश शादी है ना, दो बहन की शादी एक साथ है, और मेरी भी बहन लग, हमारी भी शादी है ना। हम बोल रहे सिर्फ, हम क्या बोल रहे, नहीं हम तो सच बोल रहे ना, तुम्हारी भी तो शादी है ना। और इसकी शादी पर गाँव में ही है, इसकी शादी यहाँ है, वो गांव में है, वो यहाँ आ जाएगी परमानेंट, इस वजह से। आपा को एकदम फुर्सत नहीं है, आपा बहुत ज़्यादा बिजी है गॉसिप करने में। और ये फूफी है, इनकी इनकी ही बेटी की मंगनी है, यानी मेरी बहन की मंगनी है। और फूफा सबसे ज़्यादा आपा को मानते हैं। और शब नाश्ता लगी है, और दूल्हा के सारे सामान, दूल्हा और दूल्हा के फैमिली के। ये दूल्हा और मंगनी की रस्म, अरे अरे तू तो दिखा।
कोने में नहीं हो चुकी है। और अब अस्टर भाई हटे अभी, और ये भी मेरी बहन पर बोल नहीं सकती है, पर बात पूरी समझती है। और ये जो है ये इनके हस्बैंड है। और अब दूल्हा थोड़ा रिलैक्स हुआ है, और दूल्हा के बगल में दूल्हा की साली, और आपा दूल्हा के साथ ब्लॉग बना रही है। और हम भी नहीं लिए हैं, पर हम अपना लेने का टाइम नहीं बना पाए, पर हम भी अब साथ हैं। हमने लिए हैं पर अपना लेने का टाइम नहीं बना पाए, और लाइन चली गई है, और बारिश भी हो रही है, और सलाम पढ़ाई हो रही है। जैसे कि रात के 11 बज रहे हैं, और अब जाके लाइन आई है, और बाहर बारिश भी हो रही है, और सब खाना पे बैठे हैं, पर अभी लगी नहीं, अब बारिश हो रही है, और जल्दी से खा पी के 11 बजे निकली है, क्योंकि जाने में भी उतना ही टाइम लगेगी। और ये पहले पकौड़ा आई चिकन, और साथ का बहुत फेवरेट डिश चल रहा है चिकन पकौड़ा। साथ बोला और मम्मी भी नहीं आई, और फिर आई है पूरी और कीमा, पर हमको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सब हट के है, अलग है। कीमा और पूरी हम पहली बार खा रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कुछ हट के खा रहे हैं। आपका कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, कुछ हट के खाने में ज़्यादा मज़ा है। और सबसे मेन डिश बिरयानी, और बिरयानी तो है, पर उससे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हमको कि सलाद। बिरयानी बिना सलाद का नहीं अच्छी लगती है। और पप्पा मेरे पर परसों ही चले जाएंगे, पर बहुत जल्दी चले जा रहे हैं, क्योंकि इनकी एक बेटी की, जैसे बताया, एक बेटी की और भी शादी है, वहाँ भी मंगल है, और हम सबको फोटोशूट करते हैं, जो सबसे पहले आपा का हो चुका है। और फोटो इसमें डालते हैं, पर वो इस वजह से नहीं डाल पाते। और रात के 1 बज रहे, और अब जाके रिलैक्स हुए, सब अपने अपने घर पहुँचे। और जैसे कि हर जगह का कल्चर अलग होता है, रसम कुछ अलग होती है, पर ये मंगनी में जाके हमको अच्छा लगा, और कुछ हटके भी देखने को मिला। और सबसे ज़्यादा अच्छा हमको ये लगा इस बात की, क्योंकि मंगनी के बाद यहाँ नात पढ़ाई हुई, सलाम पढ़ाई हुई है, जो शायद हम पहली बार देखे हैं, यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। ये चीज़ हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और जैसे कि मेरी पुप्पी जहाँ की है, जिस गांव की है, लड़के वाले लोग भी उसी गांव के ही हैं, बस वो लोग अब रहते हैं यहाँ पर हैं, तो इसलिए कुछ चीज़ हट के हुई है जो हमको बहुत ज़्यादा पसंद आई। और अभी तो हमको नींद आएगी नहीं, नींद आते आते भी थोड़ी टाइम ही लगेगी आज हमको, और कल जुम्मा भी है, कल कितने बजे आँख खुलेगी पता नहीं। और वीडियो का एंड अपना यहीं पर करते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।